Hello, hello friends, Jitesh Kumar here with new topic bars in series. Okay, there's a two condition. If bars in series, like I have a bar, stepped bar fixed from one end and the load is applied at the end, then there is a two condition is satisfied that all the deformation in the bars in series are deformation is cumulative. मतलब total deformation निकाल तो इसकी deformation plus इसकी deformation तब इसकी deformation. अगर n तक है तो n तक deformation को plus होगा. अगर load की बात करें तो p अगर load यहाँ पे लग गया है तो एक inversely reaction में एक reaction आएगी इसी load की p, और जहाँ पे भी check करेंगे वहाँ पे p और p ही लगेगा, same लगेगा. ये condition तब valid है जब all the load applied load जो हमने किया है वो at the end लगा हो. ठीक है, different case है. पहला case है for a stepped bar shown in the figure, determine the maximum stress induced in the bar or deformation in the stepped bar. अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे P load लगा दिया. मैंने आपको बता दिया है कि जब भी इस type का load आए तो एक reaction P यहाँ लगी हुई है, तो reaction में P यहाँ पे भी आ जाएगी. और दो केस हैं, P is equal to क्या हो जाएगा, P1 is equal to P2 is equal to P3. ठीक है, section 1 कौन सा है, ये वाला. 2 कौन सा है ये, और 3 कौन सा है ये. इसका डायमीटर 2d है, इसका डायमीटर d है, इसका डायमीटर d/2 है. e सबका सेम है. e क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कि मटेरियल सेम है. अगर मैं बात करता हूँ डिफॉर्मेशन की, a to d की, तो वो क्या होगी, डिफॉर्मेशन एट, मैं बताया डिफॉर्मेशन प्लस होंगी. ठीक है, तो डिफॉर्मेशन प्लस होंगी, डिफॉर्मेशन एट ab प्लस डिफॉर्मेशन एट bc प्लस डिफॉर्मेशन एट cd. ये केस हमें पता लग गए. ठीक है, हमने निकालना है मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार. जब भी लोड सेम होंगे, अब लोड सेम है तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी, जो सबसे छोटा पोर्शन होगा, सबसे छोटा पोर्शन होगा उसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस होगी. इसका एरिया क्या है, d/2. तो सिग्मा निकालता हूँ मैं. ठीक है, सिग्मा क्या होता है, p/a. p सबके ऊपर सेम है, मैक्सिमम स्ट्रेस ने बताया किसके ऊपर इसका एरिया सबसे छोटा होगा, तो π/4 d² होता है. इसका यहाँ पे d क्या था, d/2 का होल स्केयर. डायमीटर उसका क्या है छोटे वाले का, d/2, इसका d है, इसका 2d है. तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ होगी, सबसे छोटे पोर्शन पे, क्योंकि लोड सेम है. ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा, p/π d² ऊपर क्या आ जाएगा, 16. ठीक है, ये निकल गया फर्स्ट रिजल्ट. सेकेंड क्या निकालना है हमने, डिफॉर्मेशन ऑफ स्टेप्ड बार. वो कैसे निकलेगी, मैं बता दिया, ad + ab + bc + cd. ई सेम है, डायमीटर सबके अलग अलग हैं, ई सेम है, और क्या सेम है, लेंथ सेम है. ठीक है, और लोड सेम है, लोड सेम है, लेंथ सेम है, और ई सेम है. तो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, pl/ae. ठीक है, P सेम है, L सेम है, और क्या सेम है, E. तो एरिया डिफरेंट है. तो अगर हमने यहाँ पे निकालना हो लैम्डा AD, वो क्या होगा, लैम्डा AB BC + CD. P कॉमन ले लिया, L ले लिया, E ले लिया. अगर अलग अलग होंगे तो अलग अलग निकाल लेंगे. 1/a1 रह जाएगा अंदर, प्लस 1/a2 प्लस 1/a3. ठीक है, PL/E. ए क्या है इसका, 1/π/4. डायमीटर क्या था, 2d² प्लस 1/π/4 d² प्लस 1/π/4 d/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, यही आएगा. अब इसका रिजल्ट निकाल लेंगे. रिजल्ट क्या आएगा, PL/E तो है ही बाहर. ठीक है, इसके बाद अंदर क्या बचेगा, बाहर ये भी ले लेते हैं, 4/π भी बाहर ले लेते हैं. ठीक है, डी भी बाहर ले लेते हैं, d² अंदर क्या बचेगा, 1/4 प्लस 1/1 प्लस 4/1, ये बचेगा अंदर. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 4PL/π d² e, अंदर क्या आ जाएगा,
अंदर आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, चार कॉमन ले लेता हूँ, एक प्लस चार प्लस 16, इस फोर से फोर ही कट जाएगा, 21 पी एल बाई पाई डी स्क्वेयर ई। ये तो था फर्स्ट केस, ठीक है। अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? केस टू, ठीक है। केस टू क्या कहता है? जब ऐसा लोड आ जाए कि एक बार हो और वो फिक्स है एक साइड से, और इसका एरिया भी क्या है, सेम। पहले एरिया डिफरेंट था, अब क्या है, एरिया भी बिल्कुल सेम है। पहले स्टेप दिया अलग अलग एरिया था, तो इस केस में हमने क्या करना है, एक लोड के लिए एएलडी बना लेना है। लेट मैं कहता हूँ, ये वाला जो लोड आ रहा है, जैसे ये लोड आ रहा है, पहले देखते हैं यहाँ पे 2P जा रहा है, यहाँ 3P जा रहा है, यहाँ 4P जा रहा है, ठीक है। कितना हो गया, 4, 3, 7 और 2, 9, और 5 इस साइड जा रहा है, तो एक बैलेंस करने के लिए क्या लग जाएगा, 5 इस साइड है और 9 इस साइड है, तो 4P यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग सेक्शन लेने होंगे इसके अंदर। मैं क्या कहता हूँ, जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो इस साइड को मैं क्या मान लेता हूँ कि नेगेटिव है, इस साइड जाने वाला लोड क्या है, नेगेटिव। शुरू करता हूँ क्योंकि कंप्रेसिव एक्ट हो रहा है ना। अगर इस सेक्शन की बात करूँ मैं, और इस सेक्शन, ये सेक्शन अलग ले लूँ, और ये सेक्शन मैं अलग ले लूँ, चार सेक्शन में ले रहा हूँ, तो इस सेक्शन के ऊपर देखूंगा तो कंप्रेसिव लोड आ रहा है, तो 4P नीचे, 4P, ठीक है। यहाँ आऊँगा, 4P दोबारा लगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेगेटिव लिया था, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, ऊपर हो गया, आगे गया, कोई लोड नहीं लगा। अब इस डायरेक्शन में लग रहा है दोबारा, तो 3P कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ कैसे है, 4P नेगेटिव, यहाँ आ गया, यहाँ तक गया, और दोबारा 5P इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो 2P कहाँ आऊँगा, नीचे, कंप्रेसिव, फिर से आगे जाऊँगा, फिर 2P कहाँ, पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये कितना है, 2P, ये कितना है, 3P। क्वेश्चन आया, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार, मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी होगी। अब यहाँ पे क्या, एरिया भी सेम है, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, पी बाय ए, एरिया सेम है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ होगी, जिस पर सबसे ज़्यादा पी होगा, जिसका पी ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस भी ज़्यादा, तो पी सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है, 4P के ऊपर, कंप्रेसिव के ऊपर। तो पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4P डिवाइड बाय एरिया क्या है सबका, पाई बाय 4 डी स्क्वेयर, 16P डिवाइड बाय पाई डी स्क्वेयर, ठीक है। इसका डी मान लेते हैं, लेट इसका डायमीटर डी है। सेकंड क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस टू द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, 3P, पॉजिटिव वाली क्या होगी, टेंसाइल, और नेगेटिव वाली क्या है, कंप्रेसिव, ठीक है। तो सिग्मा टेंसाइल डिवाइड बाय सिग्मा कंप्रेसिव, दोनों मैक्सिमम वाली, मैक्स, तो सिग्मा टेंसाइल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इस पोर्शन पे, लेट इस ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो सिग्मा किसके ऊपर सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है, सी डी के ऊपर, और कंप्रेसिव स्ट्रेस किसके ऊपर है, सिग्मा ए बी के ऊपर। निकाल लेंगे क्या आता है, ये कितना है, पी बाय ए, और ये क्या है, ये भी पी बाय ए है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, 3P बाय ए, और इसकी क्या है, 4P बाय ए। एरिया से एरिया कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, क्या रेशियो क्या आएगा, 3/4, ठीक है। ये तो था केस टू। अब केस थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, केस थ्री देख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर केस थ्री, वेन बार फिक्स फ्रॉम बोथ द एंड। अब बार दोनों साइड से फिक्स हैं और लोड लग रहा है बी पे, पी किस साइड लग रहा है, इस साइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए लोड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, एक लोड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे लगाता हूँ RC और यहाँ पे लगाता हूँ RA, तो मतलब कि RA प्लस RC इज इक्वल टू पी हो जाएगा, पहली इक्वेशन। दूसरी हमने पैरेलल कंडीशन में हमने पढ़ी है कि पैरेलल में अगर ये ए बी सेक्शन मानता हूँ, ये बी सी सेक्शन मानता हूँ, तो लैम्डा ए बी प्लस लैम्डा बी सी, प्लस करके क्या आता है, लैम्डा ए सी, और लैम्डा ए सी यहाँ पे क्या है, दोनों साइड से फिक्स है, वो बढ़ नहीं सकता, तो जीरो है, ठीक है।
मैं दोनों सेक्शन को अलग ले लेता हूँ, पहले मैं लेता हूँ ए बी सेक्शन को, लेट मैंने ए बी सेक्शन ये ले लिया और ले लेता हूँ ए बी सेक्शन की लेंथ कितनी है, एल बाय थ्री, ठीक है। और लोड कैसा लग रहा है यहाँ पे, आर ए, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, आर ए, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ बी सी सेक्शन, हे इज बी सी, यहाँ पे कैसा लोड लग रहा था, पी, पी में से आर ए, तो यहाँ रे चला गया, यहाँ क्या बचेगा, पी माइनस आर ए, यहाँ भी क्या बचेगा, पी माइनस आर ए, ठीक है। इसका डायमीटर डी है, सारा का सारा एक ही मटेरियल है, पहले हमारा मटेरियल लगता स्टेप्ड बार यूज़ कर रहे थे, डायमीटर भी लगता, ठीक है, मटेरियल भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो चेक करता हूँ, ठीक है। एक के ऊपर कैसा लोड लग रहा है, टेंसाइल, और एक के ऊपर कंप्रेसिव। टेंसाइल हमारा पॉजिटिव होता है, टेंसाइल पॉजिटिव, ठीक है, कंप्रेसिव नेगेटिव लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको चेक करता हूँ, तो लेमडा ए बी इजकल टू माइनस लेमडा बी सी, इसको इस साइड ले गया। ए बी कैसा है हमारा, टेंसाइल है, वैल्यू पुट करता हूँ, बी वन ए वन, पी वन एल वन, ए वन ई वन इजकल टू पी टू एल टू, ए टू ई टू, एरिया सेम है, ई सेम है। पी वन की वैल्यू क्या है, पी वन की वैल्यू है हमारे पास आर ए, एल वन की वैल्यू क्या है, एल वन की वैल्यू है एल बाई थ्री, पी टू की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी टू की वैल्यू हमारे पास है पी माइनस आर ए। कैसा लोड है, कंप्रेसिव, तो इस माइनस को कंपनसेट करके आता हूँ प्लस। अब कैसा लोड लग गया, पी माइनस आर ए, और लेंथ क्या है, टू एल बाई थ्री, ठीक है। एल से एल गया, थ्री से थ्री गया, आर ए इज इक्वल टू टू पी माइनस टू आर ए, तो आर ए को इस तरह ले जाता हूँ, थ्री आर ए इज इक्वल टू टू पी, और आर ए इज इक्वल टू पी बाय थ्री, टू पी बाय थ्री, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टू पी बाय थ्री, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इसके अंदर पुट करूँगा तो चेक करना क्या आएगा, आर ए प्लस आर सी इजक्वल टू पी, तो आर सी क्या आ जाएगा, पी माइनस टू पी बाय थ्री, तो क्या बचेगा, पी बाय थ्री। अगर इनमें से कोई भी डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव आ जाती, मान लो आर ए की वैल्यू नेगेटिव में आती है या आर सी की नेगेटिव आती, तो हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की है वो गलत है, वो हमें डायरेक्शन बदलनी पड़ती, ठीक है। इसी क्वेश्चन को निकालने का एक और मेथड हो सकता है, वो मेथड देखना, उसके लिए एक सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, इसके लिए कंडीशन है कि एरिया ए वन ई वन इज इक्वल टू ए टू ई टू होना चाहिए। तो हमने जो यहाँ पे बार ली थी फिक्स वाली, ये जो हमारी बार थी, इसका एरिया दोनों साइड लेंथ, वो डायमीटर डी था तो एरिया सेम था, और एट द सेक्शन, दिस सेक्शन एक लोड लग रहा था, वो लोड कितना था, पी का एट एल बाय थ्री, और दूसरी साइड कितनी लेंथ थी, टू एल बाय थ्री। मटेरियल कैसा था, सेम था, मतलब कि एरिया भी सेम था और ई भी सेम था। अगर ऐसा कभी हो जाता है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो नोट कर लेना, डायरेक्ट निकल जाएगा, रिएक्शन एट वन फ्री एंड, रिएक्शन एट वन फिक्स्ड एंड, रिएक्शन एक साइड जो होगी फिक्स्ड एंड के ऊपर वो इक्वल होगी, ये फिक्स्ड एंड है, इनके यहाँ पे रिएक्शन आ गई थी, क्या इस साइड ए है बी है सी है, यहाँ पे क्या आई थी आर सी, और यहाँ पे क्या आई थी आर ए,
रिएक्शन एट वन फिक्स्ड एंड इज इक्वल टू प्लस माइनस लोड, जैसा लोड टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो, अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड इनटू में क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट लोड और अनदर फिक्स्ड एंड, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अदर लोड, ठीक है, अदर लोड से डिस्टेंस लेने हैं, डिवाइड बाय में डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड, इस फॉर्मूले को खोलता हूँ, देखना अगर मुझे आर ए की वैल्यू लेनी है तो मैं लिखता हूँ आर ए, लोड कैसा लग रहा है यहाँ पे, पी टेंसाइल लोड है तो प्लस पी, डिस्टेंस बिटवीन अदर एंड, यहाँ से लेके यहाँ तक अदर एंड की डिस्टेंस 2L/3, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड, दोनों फिक्स्ड एंड के बीच की डिस्टेंस L, L से L कट गया, क्या बचेगा 2P/3, ऐसे ही आर सी अगर निकाल लूँ, आर सी डिस्टेंस टू अदर एंड, लोड कैसा है कंप्रेसिव माइनस पी, ठीक है, डिस्टेंस टू अनदर एंड कितनी है L/3, बिटवीन डिस्टेंस L माइनस P/3, P4 कंप्रेसिव एंड इट्स टेंसाइल, माइनस हटा देता हूँ क्योंकि कंप्रेसिव लिख दिया है, ठीक है, ये थे बार्स के, जब सीरीज में होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट थ्री केस थे, अलग अलग कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, आगे इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे उनसे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, थैंक यू।